आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। पैंतीस मिनट में राहुल की सुरक्षा में दो बार चूक। पंजाब में युवक जबरन गले लगा, दूसरी बार संदिग्ध सुरक्षा घेरा तोड़कर करीब पहुंचा। कड़ाके की सर्दी दो तीन दिन और। राजस्थान में छह शहरों का पारा माइनस में पहुंचा। उत्तर भारत में कई घंटे देरी से चल रही है ट्रेनें। दिल्ली में गोली मारकर 5 लाख लूटे। लुटेरे ने बाइक सवार पीट कर बैग भी छीना। कार वाला बचाने आया तो पिस्तौल तानी। जगन्नाथपुरी में चूहों ने कुतर डाली भगवान की पोशाकें। मूर्तियों को भी पहुंचाया नुकसान। पुजारियों को पूजा भी नहीं करने देते। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। दो नागरिक भी घायल। बेंगलुरु में प्रियंका गांधी की नानायकी रैली। सत्ता में आने पर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए महीना देने का ऐलान किया गया। आरजेडी के मंत्री का ऐलान, तेजस्वी होंगे बिहार के सीएम। स्मार्ट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार का जनाधार खत्म। बंगाल सरकार की केंद्र को चिट्ठी, पीएम आवास योजना फंड को तत्काल जारी करने की उठाई मांग। भारत जोड़ो यात्रा में आप पर निशाना राहुल गांधी। बोले पंजाब को खुद चलाए सीएम भगवंत मान, रिमोट कंट्रोल ना बने। संजय राउत का बड़ा बयान, बोले एमएलसी चुनाव को लेकर एमवीए में भ्रम। उद्धव गुट हमेशा कुर्बानी नहीं दे सकता। गुजरात पुलिस पर भड़की पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, चेताया आगे ऐसा किया तो होगा एक्शन। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा, भगवंत मान का पलटवार। आपने चुने सीएम, कैप्टन को बेइज्जत कर हटाए, चन्नी को बनाया। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन। सीतारमण बोली नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर चर्चा नहीं हुई। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, केरल में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहना में एंट्री। जापान में 24 घंटे में 284 लोगों की मौत। कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अलर्ट, एजेंसियों ने कुछ जगहों पर जाने से रोका। बांके बिहारी कॉरिडोर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। गोस्वामी समाज की याचिका पर 23 जनवरी को होगी सुनवाई। कानपुर में बगैर परमिशन स्टंटबाजी पर एफआईआर। बाइक कंपनी की ओर से कराई जा रही थी स्टंटबाजी, 15-15 हजार का चालान। वाराणसी की तरह मेरठ में भी बनेगा भारत मात्रा मंदिर। 100 साल पुराने मंदिर का किया जा रहा है जीर्णोद्धार। अयोध्या के नरसिंह मंदिर के महंत राम शरण दास लापता। फोन बंद होने के बाद पुजारी ने दर्ज कराई रिपोर्ट।
मथुरा में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का इनामी घायल, 1.65 लाख लूटे थे। मेरठ कॉलेज में छात्रों के दो गुटों में खूनी संघर्ष, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, लाठी डंडों से मारा छात्र को किडनैप करने आए थे। तिहरे हत्याकांड में फार्म हाउस मालिक समेत चार गिरफ्तार, घायल सुरेश प्रधान की भाभी ने कराई थी एफआईआर। फिरोजाबाद में एसबीआई की पहल, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया 3.29 करोड़ का लोन, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत। बहराइच एसपी ने की लंबित विवेचनाओं की समीक्षा, बोली फरियादियों को मिले तत्वारित न्याय। बागपत में अपराधी ने दरोगा को पिस्टल से झोंका, फायर, पेशी के लिए कोर्ट ले जा रही थी पुलिस, बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। बीएचयू में रात भर सड़क पर छात्राओं का धरना, कहा वीसी खुद आकर सुनेंगे तभी खत्म होगा प्रदर्शन। औराया में मनाया गया निक्षय दिवस, रोगियों को दी गई पोषण पोटली, देश की टीबी मुक्त बनाने से सहयोग की अपील की। गाजियाबाद जेल के दो बंदियों पर एफआईआर, गलत नाम बताकर एंट्री पाई और कोर्ट का आदेश को लेकर छूटा। मुजफ्फरनगर में सरकारी ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर चोरी, रात में ले गए बदमाश, 1.75 लाख का नुकसान हुआ। बाराबंकी में बहु बेटे ने मां की हत्या की, मामूली बात को लेकर दबा दिया गला, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। फतेहपुर में ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, एक की मौत, महिला व युवक गंभीर हालत में कानपुर रेफर, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बागपत में अवैध खनन पर एसडीएम की कार्रवाई, छापा मारकर दो ट्रैक्टर, टाली और एक मशीन पकड़ी, माफिया मौके से फरार। श्रावस्ती में ट्रैक्टर टाली निकालते समय धसी पुलिया, हादसे में चालक समेत दो लोग चोटिल हो गए, अस्पताल में कराया गया भर्ती। भदोही में हाईवे पर पकड़ा गया गोवंश से भरा ट्रक, पुलिस ने दो तस्करों को किया गिरफ्तार, बंगाल ले जा रहे थे आरोपी। मैनपुरी में प्रधानपति हत्याकांड में आरोपियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 30,000 का जुर्माना भी लगाया। फिरोजाबाद में मकान का ताला तोड़कर चोरी, नकदी व सोने चांदी के आभूषण ले गए चोर, परिवार दूसरे घर में सो रहा था। बागपत एसपी ने देर रात किया गश्त, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, व्यापारियों से की बात, संदिग्धों के लिए तलाशी। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर विदेशी शराब बरामद, तस्कर गिरफ्तार, एमबीएससी और पुलिस ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई। महाराजगंज में परीक्षा देने आई छात्रा का किडनैप, पुलिस ने किया बरामद, एनजीओ चलाती है छात्रा। अलीगढ़ में भिड़े दो समुदाय, आधी रात 5 घंटे बवाल हुआ, पथराव फायरिंग भी, भीड़ में डीएम और एसएसपी ने 10 थानों की फोर्स पहुंची।
अयोध्या में तपस्वी छावनी पर स्वामी का विवाद पर महंसाचार्य का दावा, मामूली विवाद में छात्रों ने आपस में की मारपीट। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में कई झोपड़ियों में लगी आग, आग में लगने से बच्चे समेत चार बकरियों की हुई दर्दनाक मौत। कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में बस में लगी आग, कानपुर से दिल्ली जा रही थी बस, सूचना पर पहुंची पुलिस, आग बुझाने में जुटी। सपा विधायक इरफान सोलंकी को राहत, नए गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने खारिज की बिल, इरफान का घर जलाने का आरोप। लखीमपुर खीरी में चोरों ने जिला सहकारी बैंक को बनाया निशाना, 30 लाख की चोरी को अंजाम देकर फरार हुए चोर। भीमताल भूकंप के कारण आई थी मकानों में दरार, अब बढ़ने लगी इनकी लंबाई और चौड़ाई, दहशत में लोग। दिल्ली में गिरफ्तार उत्तराखंड के जगजीत के बारे में बड़ा खुलासा, लोकल कनेक्शन की जांच शुरू। लगातार बढ़ रही दरार, ग्रस्त भवनों की संख्या, जेपी कॉलोनी से खतरनाक भवन हटाने के आदेश दिए गए हैं। भूधसाव से खतरे में भगवान बद्रीनाथ का करोड़ों का खजाना, नरसिंह मंदिर में रक्षा महायज्ञ शुरू। भूधसाव पर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी चिंतित, मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं से ली जानकारी। उत्तरकाशी में अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई का मामला, आयोग ने आयुष की मेडिकल रिपोर्ट पर उठाए सवाल। पूर्व विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल के खिलाफ होगी विजिलेंस जांच, लगे हैं भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप। ओएमआर शीट्स में छेड़छाड़ कर पास हुए अभ्यर्थी हकाम सिंह, केंद्रपाल व राजेश का निकला हाथ। उत्तराखंड में भाई बहना भाई की जान का दुश्मन, लाइसेंसी बंदूक से मार दी गोली, गांव में दहशत। जोशीमठ आपदा राहत मुआवजे पर नहीं बनी सहमति, दरारें भरने पहुंचे मजदूरों को प्रभावितों ने भगाया। भूधसाव में घर छोड़ने वाले छात्रों के लिए सीबीएसई की विशेष राहत, विस्थापित जगहों पर दे सकेंगे परीक्षा। अंकिता हत्याकांड मामला, 23 जनवरी को होगी अगली सुनवाई, सत्र न्यायालय के सुपुर्द होगा केस। हादसे में जल गई थी ऋषभ पंत की मर्सिडीज, अब कंपनी करेगी आग लगने के कारण की जांच। नौ साल बाद अपने मंदिर में विराजेंगे मां धारी देवी, केदारनाथ आपदा के बाद किया गया था अपलिफ्ट। तीर्थाटन और साहसिक पर्यटन के लिए उत्तराखंड सबसे बेहतर, गुजरात से पहुंचे 10% पर्यटक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान, बोले अब पीएम मोदी टेबल पर बैठे और बात करें।
पाकिस्तान को झटका, अब्दुल रहमान मक्की इंटरनेशनल आतंकी घोषित, कश्मीर में हुए हमले का मास्टरमाइंड। बुर्किना फासो में जिहादियों का आतंक, करीब 50 महिलाओं का किया अपहरण, जंगल में ढूंढ रही थी खाना। दुनिया के सामने आया पाक का कट्टरपंथी चेहरा, कम उम्र की लड़कियों के धर्मांतरण पर यूएन ने जताई चिंता। भारतवंशी नेता हरमीत ढिल्लन ने लगाए गंभीर आरोप, सिख होने की वजह से रिपब्लिकन पार्टी कर रही है भेदभाव। इटली का मोस्ट वांटेड डॉन 30 साल बाद गिरफ्तार, लोगों ने खुशी में तालियां बजाई, गवाही देने वाले लड़के को एसिड में डुबोया था। साठ साल में पहली बार चीन की आबादी हुई कम, साल 2022 में 95 लाख बच्चे पैदा हुए, बर्थ रेट 9.98% घटा। कागो के चर्च में धमाका, अब तक 17 की मौत, 20 गंभीर रूप से घायल, आईएसआई ने धमाके की जिम्मेदारी ली। पाकिस्तान में 18 दिन से आटे की किल्लत, बाइक स्कूटर से आटे के ट्रकों के पीछे पैसे लेकर दौड़ रहे हैं लोग। चीन के केमिकल प्लांट में धमाका, 2 की मौत, 12 लोग लापता, 34 घायल, 24 घंटे बाद भी आग बेकाबू। दुनिया भर में महंगाई और आर्थिक सुस्ती, भारत को मिल सकता है फायदा, ग्लोबल कंपनियां कर रही हैं रुख। महिंद्रा ने एक्सयूवी 400 के प्राइस का किया अनाउंस, 15.99 लाख रुपए में मिलेगी, 456 किलोमीटर की रेंज, 26 जनवरी से बुकिंग शुरू। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई की मंजूरी, अब भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करेगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 1% अमीरों के पास देश की 40% से ज्यादा संपत्ति, 50% आबादी के पास सिर्फ 3% की संपत्ति है। छोटे खुदरा विक्रेताओं को मिल सकता है सस्ता कर्ज, सरकार बजट में ला सकती है योजना। चीन में विकास दर बीते साल पिछले 40 वर्षों में रही सबसे कमजोर, 2022 में 3% की दर से बढ़ी अर्थव्यवस्था। रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए लेनदेन पर प्रोत्साहन योजना लागू, 1 साल हो गया अवधि। अपने बेड़े में 500 विमान शामिल करेगी एयर इंडिया, चेयरमैन स्टीव उदार हेची ने किया ये बड़ा दावा। भारतीय कंपनियां कर सकती हैं औसत 9.8% इजाफा, 2022 के मुकाबले मामूली बढ़ोतरी। निर्यात 12% घटा, व्यापार घाटा बढ़कर 23.7 अरब डॉलर, आयात में भी दिसंबर में घटा। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले से पहले सूर्य कुमार समेत भारतीय खिलाड़ियों ने की जेआर एनटीआर से मुलाकात, फोटो वायरल। क्रिकेट, साउथ अफ्रीका ने नए हेड कोच की घोषणा की, कोनराड सुकरी टेस्ट और रॉब वॉल्टर वनडे और टी20 के मुख्य कोच होंगे।
साउथ अफ्रीका के लेंसमैन ने रचा इतिहास, अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप में लगाई पहली हैट्रिक। गल्फ जॉइंट्स के खिलाफ जमकर बोला रॉबिन उथप्पा का बल्ला, 171 के स्ट्राइक रेट से बनाए रन। बोले विजय का छलका दर्द, बोले वीरेंद्र सहवाग की तरह मुझे सपोर्ट नहीं मिला, 2014 में इंग्लैंड में सबसे ज्यादा टेस्ट। दुबई में एसीसी ऑफिशियल से मिले नजम सेठी, जय शाह से करना चाहते हैं मुलाकात, पाकिस्तान में एशिया कप कराने की इच्छा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया वुमेन्स टीम की जीत, यूएई को 122 रनों से हराए, श्वेता शेफाली और ऋचा चमकी। अल नासर अल हिलाल की संयुक्त टीम उतरेगी, मेसी रोनाल्डो के बीच गोल्डन टिकट की नीलामी 22 करोड़ तक जा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में गुम हुआ नडाल का रैकेट, मैच के दौरान ढूंढते रहे, फिर अंपायर से बोले बॉल बॉय मेरा रैकेट ले गया। बाबर आजम की पर्सनल चैट और वीडियो वायरल, दावा साथी खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक चैट की है। फिल्म सेट पर घायल हुए पल्लवी जोशी, वैक्सीन वॉर की शूटिंग के दौरान हैदराबाद में हुआ सा, गाड़ी ने मारी टक्कर। नहीं रहे इटालियन एक्ट्रेस जीना लोलो ब्रिगिडा, 95 साल की उम्र में हुआ निधन, एक्ट्रेस के साथ साथ फोटो जर्नलिस्ट भी थी। रोमांटिक अंदाज में दिखे शहनाज गिल, गुरु रंधावा शेयर किया वीडियो, यूजर्स बोले आपकी जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। शाहरुख खान ने फैमिली के साथ देखी पठान, मिनिस्ट्री के बयान के बाद एसआरके ने रखी स्क्रीनिंग। हंसल मेहता की फिल्म फराज का ट्रेलर हुआ रिलीज, रणबीर करीना के कचिन जहान कपूर करेंगे डेब्यू। मलाइका अरोड़ा ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो, फिटनेस के देख यूजर्स हुए इम्प्रेस, बोले जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी है। श्वेता तिवारी ने बाथरोब पहनकर बेशरम रंग पर किया डांस, यूजर्स बोले आप इस सॉन्ग में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस कर सकती हैं। जैसलमेर में हुआ सोनू सूद का भव्य स्वागत, सामने देख भीड़ हुई एक्साइटेड, यूजर्स बोले आप ही हैं असली हीरो। गांधी गोडसे एक युद्ध पर बापू के परपोते का रिएक्शन, तुषार गांधी बोले मैं ऐसी फिल्म नहीं देखना चाहता जो हत्यारे को हीरो बताए। अनुपमा फेम रूपाली गांगुली ने हुए वेटरन जर्नलिस्ट के पैर, जैसर के देख फैंस ने की तारीफ, बोले सक्सेस के बाद भी वो नहीं बदली। फिलहाल शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखें हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। प्राइम उत्तर प्रदेश, सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम, पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम, निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। चाणक्य की कूटनीति हूँ मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूँ मैं, गरीबों की आवाज हूं मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूं मैं। प्राइम बिहार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन, सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी, एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय,
हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। झूठ नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। प्राइम उत्तर प्रदेश, सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। चाणक्य की कूटनीति हूँ मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूँ मैं, गरीबों की आवाज हूँ मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूँ मैं। प्राइम बिहार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन, सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय।
हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। लखनऊ विश्वविद्यालय में दो गुटों आपस में भिड़ गए हैं, ये लखनऊ विश्वविद्यालय से बड़ी खबर है। दोनों गुटों में समझौता कराने का प्रयास जारी। दोनों गुटों के बीच में जमकर हुई है धक्का मुक्की। छात्रों का आरोप उन पर की गई है लाठी चार्ज। विश्वविद्यालय प्रशासन ने लाठी चार्ज से किया है इनकार। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक मौजूद हैं। विवेक, रोहित वुलेमा अमर रहे, ये नारेबाजी आखिर लखनऊ विश्वविद्यालय में क्यों हो रही है? दो गुटों में आपस में भिड़ गए, इसको लेकर पूरा क्या मामला है ये थोड़ा सा बताइए। देखिए मनीष जी, लखनऊ विश्वविद्यालय में आसपा के जो ऐसा के जो छात्र हैं उन्होंने रोहित बिमला की बरसी पे जो है एक कार्यक्रम आयोजित करने की बात की थी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसकी परमिशन जो नहीं दी थी, इसके पीछे रीजन यह था कि पूरी प्रक्रिया के तहत अनुमति मांगी जाती है। अगर कोई भी इस प्रकार का कार्यक्रम होता है तो पेट्रोलियम बोर्ड के पास पूरा एक प्रस्ताव लेके जाया जाता है, पेट्रोलियम बोर्ड जो है इस पर सहमति देती है, उसके बाद आप आयोजन कर सकते हैं। आयोजन की परमिशन न मिलने के बावजूद जो है आयशा के जो छात्र थे, जो इस ग्रुप के जो छात्र थे, उन्होंने जबरदस्ती इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को, इस कार्यक्रम को आयोजित किया और वो काफी ज्यादा संख्या में अंबेडकर जी की मूर्ति पर जो है उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे थे। और उसके बाद से जो दूसरा जो पक्ष था, जो छात्रों का ग्रुप था, उन्होंने इसका विरोध किया क्योंकि इस कार्यक्रम की अनुभूति नहीं थी और उन्होंने रास्ते को बदलवाने की मांग की कि ये दूसरे रास्ते से जाएं। इस बीच छात्रों के दो गुटों में झड़प भी हुई। खैर, ये आरोप भी लगाया गया कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है, लेकिन विश्वविद्यालय के जो प्रॉक्टर है राकेश जी, उन्होंने साफ इनकार किया है कि किसी भी छात्र पर जो है कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई नहीं हुई है और कोई भी लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है। सबको जो है आराम से, बड़ी विनम्रता से पेट्रोलियर बोर्ड और पुलिस प्रशासन द्वारा समझा बुझा कर चीजों को मैनेज कर दिया गया और दोनों ही गुट जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अपने इस कार्यक्रम को खत्म किया, अपने इस प्रदर्शन को खत्म किया। मनीष जी, विवेक, दोनों छात्र गुट आपस में भिड़े, क्या आपने इन छात्रों से बात करी है? हमने यहाँ जो उपस्थित छात्र थे इस आयोजन में उनसे बातचीत करी है। एक पक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि विश्वविद्यालय के कैंपस को जेएनयू के कैंपस बनाने की बात की जा रही है और लगातार जो है ब्राह्मण विरोधी तत्व जो है सामने आ रहे हैं, ब्राह्मण छोड़ ऐसी नारे लगाए जा रहे हैं। दोनों गुट में लगातार नारे लगा रहे थे, बाबा साहब की जय के नारे लगा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। इस प्रकार की चीजें जो है हो रही थी और एक पक्ष लगातार ये बात कर रहा था कि एलयू के कैंपस को भी जो है वो जेएनयू के कैंपस जैसा व्यवहार हो रहा है, इसको जेएनयू के कैंपस बदलने की तस्वीर तैयार की जा रही है आयशा के छात्र गुटों के द्वारा, जो कि एबीवीपी के लोग ऐसा कह रहे थे कि वो ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। और जिस छात्र की बरसे की बात कर रहे हैं रोहित मिला की, उन्होंने किसी कारणवश जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी, तो उनको उसको शहीद का दर्जा देने के खिलाफ जो है एबीवीपी के गुट के जो छात्र थे, एक छात्र संगठन जो है वो लगातार जो है रोहित मुंडा को शहीद का दर्जा देने के खिलाफ थे। प्रॉक्टर ने हमसे बातचीत में बताया कि जो आयोजन था पहले इसका स्वरूप कुछ और था, लेकिन जब अनुमति नहीं दी गई उसके बाद जबरदस्ती जो है ये कार्यक्रम आयोजन करने छात्र हॉल में पहुंचे और उसके बाद जो है नारों के साथ जो है इस कार्यक्रम का स्वरूप बदल दिया गया, जिसके बाद से दोनों ही छात्र आपस में भिड़ गए और उसके बाद पुलिस प्रशासन को यहाँ पे कमान संभालनी पड़ी ताकि दोनों छात्रों में कोई बड़ा बवाल ना हो, कोई बड़ी हिंसात्मक कार्रवाई ना हो। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से भी क्या कहा गया इस पे? देखिए मनीष जी, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि अनुमति नहीं मिलने के बावजूद ये कार्यक्रम आयोजित कराया गया था और इसमें जो है
बकायदा एक इस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर भी सम्मिलित होने वाले थे, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण वो प्रोफेसर इस कार्यक्रम में सम्मिलित न हुए। क्योंकि अनुमति नहीं थी तो छात्रों में रोष था और जबरदस्ती वो एक मार्च उन्होंने निकाला इस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। इस पर दूसरा जो गुट है एबीवीपी का गुट है वो भड़क गया कि बिना अनुमति के किस प्रकार से ये लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। खैर ऐसा कि छात्र गुटों ने यह आरोप लगाया है कि जब एबीवीपी का कोई कार्यक्रम होता है तो उनको सभागार दे दिया जाता है, उनको बिना किसी दिक्कत के परमिशन दे दी जाती है हर एक कार्यक्रम के लिए, लेकिन जब हमारा कोई कार्यक्रम होता है तो हमें परमिशन नहीं मिलती, हमें सभागार नहीं मिलती, हमारी आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। इस प्रकार के जो आरोप है तमाम दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लगाए हैं। विश्वविद्यालय पर भी तमाम आरोप लगे थे, लेकिन विश्वविद्यालय के जो कुलानुशासक है जो प्रोफेसर है राकेश द्विवेदी, उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि ये आयोजन के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। पहले इस आयोजन का स्वरूप भी कुछ अलग था, लेकिन जब अनुमति न मिलने के बाद जबरदस्ती इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, इसके बाद इसका स्वरूप जो है थोड़ा अलग हो गया, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे कमान संभाली और दोनों गुट के छात्रों को समझाया बुझाया। इसके बाद दोनों गुट के जो छात्र हैं उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अपना विरोध जो है अपना प्रदर्शन जो है वो खत्म किया। और सीधे तौर पर ये कहना है एबीवीपी के छात्रों का, यहाँ के छात्रों का, कि जो छात्र रोहित भीमराव की बरसी के नाम पर यह आयोजन कराया जा रहा है, इसके पहले कभी इस प्रकार का कोई आयोजन नहीं होता था। उनको शहीद का दर्जा देने की बात की जा रही है, जो हमारे शहीद है, जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे क्रांतिकारी है, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हुए या फिर भगत सिंह हुए, इनके समकक्ष खड़ा करने की बात की जा रही है, तो ये वो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसको जेएनयू का कैंपस नहीं बनने देंगे, क्योंकि यहाँ पे हर छात्र जो है वो हमारा है, सबसे पहले वो यहाँ का छात्र है, यहाँ का बंदा है, ना कि किसी जात या किसी धर्म से जुड़ा हुआ। विवेक, दोनों गुटों के छात्रों का ये कहना है कि उन पर लाठीचार्ज किया गया है, आप वहाँ पे खुद इस समय मौजूद है, क्या ऐसी कोई घटना वहाँ पे हुई है या दोनों गुटों को अलग करने के लिए हल्का सा बल प्रयोग किया गया वहाँ? ऐसी बात ये करके आ रही है कि लाठीचार्ज हुई थी, लेकिन विश्वविद्यालय जो प्रशासन है उन्होंने साफ इस चीज से इनकार किया है कि लाठीचार्ज की कोई घटना नहीं हुई है और न ही किसी प्रकार की हिंसात्मक कार्रवाई हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार ये बता रहा है कि कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई नहीं है, सबको जो है पूरा प्रेक्टोरियल बोर्ड, उसके बाद ADCP सेंट्रल खुद जो है छात्रों को समझाने पहुंचे थे, छात्रों से बातचीत कर रहे थे, हमने खुद देखा कि वो छात्रों को बातचीत करके समझा रहे थे सबको, और किसी प्रकार की लाठीचार्ज या हिंसात्मक कार्रवाई से विश्वविद्यालय प्रशासन ने इनकार किया है। विवेक, इस समय वहां की स्थिति क्या है? देखिए माल्या, दोनों गुटों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है और माल्यार्पण करने के बाद इस प्रदर्शन को खत्म कर दिया है। अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में शांतिपूर्ण माहौल है, पहले जैसे ही माहौल अभी पहले जैसा ही चल रहा है, छात्र अपने अपने कक्षाओं के लिए जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इस समय एक ग्राउंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि इस ग्राउंड को दिखाया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से छात्र जो है यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल रहे हैं और फिलहाल विश्वविद्यालय में जो है वो शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। जी विवेक, इस खबर पर जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलती कार में लगी आग, खबर गाजियाबाद से है। कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लाल कुआं फ्लाईओवर की घटना है, गाजियाबाद से बड़ी खबर है ये। चलती कार में आग लग गई, कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लालकुआ फ्लाईओवर की घटना है। औरैया में प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है देखने में। जोशीमठ के बाद औरैया के मकानों में भी आई है दरार। इस खबर को प्राइम टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर चलाने के बाद जिला प्रशासन ने मामले का लिया संज्ञान। दरारों व फर्श की बैठने की वजह से जाने के लिए टीम गठित की गई है। कई मकानों की फर्श और दीवारों में आई है दरारें। मकानों में रहने वाले भयभीत लोगों, आज बना प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।